YouTube channel. This is Bookkadi Girl back again with another video. और आज की हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो हो गई है अहमदाबाद से. जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है, स्पेशली स्ट्रीट फूड, बिकॉज यहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में बहुत कुछ सुना है. आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बिकॉज मास्क पहना और बाजू में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है इस ट्रिप में. अलग बात ये है कि इस बार मैं मेरे ग्रुप के साथ नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ मेरे कज़न के साथ. ये है वो. तो इस ट्रिप में बस हम दोनों ही हैं जो अहमदाबाद एक्सप्लोर करने वाले हैं. और अभी सुबह के कितने बजे हैं? 11 बजे हैं. हमने चेक इन कर लिया है, रेडी हो चुके हैं हम, और हम हैं अहमदाबाद की सड़कों पे, गलियों में. और बहुत भूख लगी है एक्चुअली, तो हम अभी जा रहे हैं लकी रेस्टोरेंट करके है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. तो चलिए चलते हैं. राइट नाउ वी हैव रीच्ड एट साबरमती आश्रम, जहाँ पे महात्मा गांधी जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है. और यहाँ पे ज़्यादा दर्शनी है, और चलिए देखते हैं अंदर क्या है, कैसा है. What will be your reaction if I say कि मेरा history बहुत ही कच्चा है, but ये जगह जो है वो महात्मा गांधी जी की journey और उनकी life experience के बारे में है. तो अगर आप interested हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको बहुत सारी knowledge यहाँ पर मिलेगी. like उनकी life कैसी थी, उनकी journey कैसी रही यहाँ पर, और चरखा वहाँ पर हमने देखा, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी वहाँ पर. यस, बहुत खूबसूरत प्लेस है ये, वेल मेंटेन किया हुआ है, और ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, और काफ़ी शांत है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है. चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं. गुजरात की शादियों की वाइब भी कुछ अलग है बॉस. यहाँ पे शादियों में भी गरबा खेला जाता है बाय द वे. बहुत मस्त लग रहा था, बहुत मस्त लग रहा था. वेल वी हैव रीच्ड एट अदालत की वाव. अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, और जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो काफ़ी क्यूट थे. हमने बहुत सारी बातें की, उन्होंने हमें बहुत सारे जगह बताया जहाँ पे हम घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अहमदाबाद में. वो अभी भी रुके हुए हैं हमारे लिए. उन्होंने कहा अब जागे आओ, घूम के आओ, मैं आपको वापस से उस जगह पे छोड़ूंगा जहाँ पे आपको जाना रहेगा. आई थिंक एंट्रेंस Thank you.
से एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या? ऑटो से एक्सप्लोर कर रहे हैं या बिकॉज यहाँ पे अगर आपको घूमना है तो ऑटो इज बेस्ट ऑप्शन, ऑटो नहीं तो बस, बट बस के लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, सो इसलिए ऑटो या ओला ऑटो इज बेस्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं। अशी भूक लागलेली आहे आणि आता मी थांबू शकणार नाही आहे, माझं जीवन वाटलेलं आहे इथे, सो मी त्याच्यावर ताव मारणार आहे। आपण भेटूया थोड्या वेळा। वन आवर लेटर। ओ माय गुडनेस, मैं बहुत शॉक हूँ, सरप्राइज हूँ, आई एम ऑल्सो और बहुत खुश भी हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। एक्चुअली हुआ यूँ कि ये थाल, मतलब ये गोवर्धन थाल जो होटल है ये, इसके बारे में मैंने बस पढ़ा था कि यहाँ पे थाली अच्छी मिलती है गुजराती, तो मैंने विशेष में ऐड कर दिया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और जैसे ही हमने एंटर किया, लाइक ओ माय गॉड, मुझे लगा कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं घाटा होने वाला है आज के ही दिन, पहले ही दिन, बिकॉज उनका जो एम्बियंस था इतना रॉयल, इतना रिच था कि पूछो ही मत। और उनके जो यूटेंसिल्स थे वो ब्रास के थे और बहुत ही ऐसा रॉयल वाइब्स आ रही थी वहाँ से। और जो फूड था वो काफ़ी कमाल का था, प्रॉपर देसी घी में बना हुआ और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी था और स्पेशली अनलिमिटेड था। और उसमें चार तरह की सब्जियाँ थी, कढ़ी, पूरी, रोटी, पापड़, सैलड, कुछ स्टार्टर था, टैकोस थे और दो तरह के स्वीट डिशेस थे। उसमें जो श्रीखंड था वो तो लाजवाब था, ऐसा श्रीखंड मैंने कभी कभी नहीं खाया है, इतना रिच और चिक उसका टेस्ट था और मटर मिठा, तो यार इट वाज वर्थ। और इतना सब कुछ मेन्यू अनलिमिटेड था। एंड उसके बाद बारी आई बिल की, तो बिल आया, मैंने देखा एंड आई वाज शॉक कि इतना सा ही बिल कैसे आ सकता है। मैंने इसकी तरफ देखा, इसको लगा कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहेगा, इसने मतलब बिल दिखा करके बिल हमारा दो थाली का, अनलिमिटेड थाली का बस 700 रुपये हुआ है, ओनली 700 रुपीज़। और यहाँ आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई है और अभी हमें चलना है, चलते चलते जाना है, बिकॉज सुबह से हमने 5 बार तो ऑटो पकड़ ली है, अभी ऑटो पे बहुत पैसा खर्चा कर लिया है हमने, अभी थोड़ा चलेंगे, इतना जो खाया है पेट भर के उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट भी करना है और चप्पल वाला देखना है कहाँ पे मिलता है। चलिए हमारे साथ ढूंढने चप्पल वाला कहाँ पे मिलता है। A little later. पावर नैप लेने के दुष्परिणाम। अभी वजह है शाम के 7 और थोड़ी देर सोने के चक्कर में पूरा 1-2 घंटा सो लिया है और एक घंटा शायद से। तो अभी हम निकले हैं होटल से और कुछ सब लाने क्या करना है, बट शॉपिंग करना है। सो एक यहाँ पे प्लेस है लाल दरवाज़ा करके, तो वहाँ पे मार्केट है शॉपिंग के लिए, तो वहाँ जाने का ख्याल है अहमदाबाद की। सो लेट्स सी। और आज मानिक चौक जाना है बिकॉज वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ही कमाल का मिलता है ऐसा मैंने सुना है। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। अंकल जी ने हमें डायरेक्टली मानिक चौक में ही छोड़ दिया है और यहाँ पे अभी धीरे धीरे स्टॉल चलना शुरू हो चुके हैं। वैसे हमें थोड़ा सा शॉपिंग करना था, सो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। We'll be right back.
चौक में आपको शॉपिंग करने का मौका मिले या ना मिले, बट आपको स्ट्रीट फूड खाने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे 7 बजे से शुरू होता है स्ट्रीट फूड का मेला। लाइक यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ फूड ट्राई कर सकते हो, और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे एक पोटैटो ट्विस्टर का शॉप दिखा है, तो हम वहाँ पे रुके हैं। और आपका ये है पिज्ज़ा? ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं पोटैटो ट्विस्टर, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। फिर से हमारे होटल में अभी बजे हैं रात के 10, और हम मानेक चौक जाके आए, और वहाँ पे जो क्राउड थी, जो एनर्जी थी, जो फूड स्टॉल्स थे, भाई साहब कमाल। मतलब बहुत सारे प्लेसेस, मतलब बहुत सारे शॉप्स थे वहाँ पे, और सब कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला बिकॉज हमारा जो पेट दोपहर में इतना भर चुका था कि लाइक कुछ खाने की जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई की वहाँ पे। पोटैटो ट्विस्टर था वो ट्राई किया, बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद हमने पाव भाजी खाई, पाव भाजी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और जो बटर उस पर डाला गया था लाइक ओ माय गॉड, लाइक हमारी माँ कैसे प्यार से घी डालती है हमारे खाने में, वैसे ये स्ट्रीट फूड वाले भैया जो रहते हैं वो हमें प्यार से इतना ज़्यादा बटर डाल देते कि पूछो मत। बट यस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मानेक चौक आके। और मुझे बहुत सारी चीज़ खानी थी बट सैडली ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पाए। और यस, हमने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई की और बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही टेस्टी थी वो भी। और स्ट्रीट फूड था इसलिए ज़्यादा, क्या कहते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हुआ है हमारा खर्चा कुछ, बट यस जो भी था बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया है आज का दिन। लाइक हमारा पहला ही दिन था गुजरात में, लाइक अहमदाबाद में, और बहुत ज़्यादा मज़े आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला है बिकॉज हम दोनों ही घूम रहे हैं। सो यू नो, तो यस मज़े आ रहे हैं और नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत लोगों से बातें हो रही है, मज़े आ रहे हैं। वेल, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। सो इफ़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक मैं आपको दे दूँगी। टिल देन बाय बाय। सगळे आले पाटून।